हे विद्यार्थियों, आज के इस अंक विद्या यानी वैदिक न्यूमरोलॉजी की द्वितीय कक्षा में मैं आप सबको अपने वर्षों के अनुसंधान पर आधारित कुछ जानकारियां, कुछ दुर्लभ जानकारियां मैं दे रहा हूं। आशा है आप इस कक्षा से प्राप्त होने वाले ज्ञान को हृदयंगम करेंगे कि विद्यार्थियों, अंक विद्या यानी वैदिक न्यूमरोलॉजी की प्रथम कक्षा में मैंने आपको पंचदशी यंत्र से कुछ दुर्लभ जानकारियां निकालकर समझाई थी। एक बार उन्हें इस पंचदशी यंत्र के विभिन्न स्वरूपों का दर्शन करें एवं अब मैं द्वितीय कक्षा वैदिक न्यूमरोलॉजी की प्रारंभ करता हूं। विद्यार्थियों, यदि आप चार तरह से बने पंचदशी यंत्रों को देखें, जो कि आग्नेय यंत्र, मेदिनी यंत्र, वायवीय यंत्र और जलीय यंत्र हैं, उन को देखें तो आप पाएंगे कि प्रत्येक वर्ग में मध्य में पांच अंक लिखा हुआ है। प्रत्येक वर्ग में ये नहीं बदला, बाकी सब अंक अपने अपने स्थानों से दूसरे स्थानों पर चले गए। ये ऐसा क्यों, ये मैं इसी कक्षा में आपको समझाऊंगा। प्रिय विद्यार्थियों, जब हम वैदिक न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं, मैंने जैसे अपनी पिछली कक्षा में बतलाया था कि वैदिक न्यूमरोलॉजी यानी अंक विद्या में अंकों को जो ग्रह स्वामित्व दिया गया है वो आधुनिक न्यूमरोलॉजी से कहीं कहीं भिन्न हो जाता है। आज मैं कुछ इसी की चर्चा करता हूं। अंक एक जो वैदिक ज्योतिष में यानी वैदिक अंक न्यूमरोलॉजी में सूर्य का अंक माना गया है और ये आधुनिक भी सूर्य का अंक ही माना गया है। अंक दो, यहां पर एक बहुत ही तगड़ी विविधता है। यहां अंक दो मंगल का अंक माना गया है। ध्यान दीजिए, अंक दो मंगल का माना गया है, तथापि आधुनिक न्यूमरोलॉजी में दो चंद्रमा का अंक माना गया है। क्यों, इसकी व्याख्या इसी कक्षा में की जाएगी कि दो अंक मंगल का ही क्यों माना गया है। अंक तीन, ये वैदिक न्यूमरोलॉजी में गुरु का अंक यानी बृहस्पति का अंक माना गया है और आधुनिक में भी बृहस्पति का ही माना गया है। अंक चार, यहां भी एक विविधता है। अंक चार वैदिक न्यूमरोलॉजी में बुध का अंक माना गया है पर आधुनिक न्यूमरोलॉजी में ये राहु का अंक माना गया। अंक पांच, यहां भी विविधता है।
अंक पांच वैदिक न्यूमरोलॉजी में शुक्र का अंक माना गया है और आधुनिक न्यूमरोलॉजी में इसे बुध का अंक माना गया है। अंक छह वैदिक न्यूमरोलॉजी में इसे शनि का अंक माना गया है। पर आधुनिक न्यूमरोलॉजी में इसे शुक्र का अंक माना गया है। अंक सात वैदिक न्यूमरोलॉजी में इसे चंद्रमा का अंक माना गया है, पर आधुनिक न्यूमरोलॉजी में इसे केतु का अंक माना गया है। अंक आठ वैदिक न्यूमरोलॉजी में इसे राहु का अंक माना गया है, पर आधुनिक न्यूमरोलॉजी में इसे शनि का अंक माना गया है। अंक नौ वैदिक ज्योतिष में यानी वैदिक न्यूमरोलॉजी में इसे केतु का अंक माना गया है और आधुनिक न्यूमरोलॉजी में इसे मंगल का अंक माना गया है। तो अंकों का ग्रह स्वामित्व लगभग काफी स्थानों पर वैदिक न्यूमरोलॉजी का आधुनिक न्यूमरोलॉजी से अलग हो जाता है। अब ये कहां क्यों और कैसे ये मैं बताने का प्रयत्न करता हूं इसी कक्षा में। प्रिय विद्यार्थियों, यदि आप अंक एक को देखें सूर्य इसका अधिष्ठाता इसका स्वामी वैदिक न्यूमरोलॉजी में माना गया है। अब अंक एक को यदि आप देखते हैं और मनन करते हैं तो ये देखिए कि सूर्य मेष में ही उच्च का होता है, एक राशि में। इसमें जो खुद का प्रकाश है, ग्रहों में सबसे बड़ा है, ग्रहों का राजा है, सौर परिवार का प्रथम सदस्य है। तो एक नंबर यानी अंक एक सूर्य को चला जाता है। अब अंक दो पे आते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, वैसे तो दूसरी राशि यानी वृष चंद्रमा की उच्च राशि है और प्रकाश के मामले में चंद्रमा सूर्य के बाद सबसे प्रकाशित ग्रह दिखाई पड़ता है, पर इसी वजह से इसको दो अंक दे दें ऐसा कदापि वैदिक न्यूमरोलॉजी का मंतव्य नहीं है। अब दो अंक मंगल को क्यों दिया गया, तो ये देखिए, आप देखिए तो जो अंक है उसकी अधिष्ठात्री देवी, ये दो अंक यहां देखिए, यह इसकी जो अधिक ब्रह्मचारिणी है, ब्रह्मचारिणी यानी यदि हम ब्रह्मचारी का मतलब समझे, जिसने अपनी चित्त वृत्ति
और अपने मन पर पूर्ण अंकुश लगा लिया हूं। जो नियम का पाबंद हो, जिसे कोई भी चीज अपने स्थान से डिगा ना सके, वो होता ब्रह्मचारी। उसी की शक्ति ब्रह्मचारिणी। तो जब दूसरी दुर्गा ब्रह्मचारिणी है, अंक दो को प्रभावित कर रही है, तो या यदि रामायण कहते हैं तो वही ब्रह्मचर्य स्वरूप हमें हनुमान जी के रूप में दिखाई देता है, मंगल स्वरूप। इसलिए मंगल को दो अंक वैदिक न्यूमोलॉजी में दिया गया है। यदि आप ज्योतिष के जानकार हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि वृष राशि में मृगशिर नक्षत्र पड़ता है, जो मंगल का नक्षत्र है। मंगल का मृगशिर नक्षत्र वृष राशि से ही शुरू होता है। तो यही कारण है कि मंगल को वैदिक न्यूमरोलॉजी में दो अंक दिया गया है। यह मेरी विवेचना है, ऐसा कहीं लिखा नहीं गया है। अब अंक तीन पर आते हैं। अंक तीन बृहस्पति को दिया गया है। तो इसके पीछे भी यही कारण है। यदि आप मिथुन राशि को देखें तो गुरु का नक्षत्र पुनर्वसु इसी राशि से शुरू होता है। इसी राशि से मतलब इसी राशि नक्षत्र इसी राशि में ही शुरू होता है। चौथा अंक बुध का। यदि आप ध्यान से देखें तो बुध के तीनों नक्षत्र जलीय राशियों में पड़ते हैं, यानी कर्क, वृश्चिक और मीन। मीन में बुध नीच के हो जाते हैं, वृश्चिक में बुध का कोई उपस्थिति विशेष नहीं है, कर्क में जो कि चंद्रमा की राशि है, बुध अपने पिता के घर में होते हैं। तो अश्लेषा नक्षत्र बुध का कर्क राशि में पड़ता है, ज्येष्ठ नक्षत्र बुध का वृश्चिक राशि में पड़ता है, और रेवती नक्षत्र जो बुध का है वो मीन राशि में पड़ता है। तो जो अश्लेषा नक्षत्र, ये तीनों गण मूल नक्षत्र छोटे मूल माने जाते हैं, खैर ये मैं इसकी विवेचना नहीं कर रहा हूं। तो ये बुध के जो नक्षत्र है उसमें जो उसका अश्लेषा नक्षत्र कर्क राशि यानी अपने पिता की राशि में पड़ता है, कर्क राशि चौथी राशि है जो कि काल पुरुष काल चक्र के हृदय में है। तो बुध को अंक चार दिया गया। और यहां मैं बतला दूं, वैदिक न्यूमरोलॉजी में अंक चार अशुभ अंक माना गया है। क्यों? क्योंकि बुध के नक्षत्र गंडमूल है, मूल नक्षत्र छोटा मूल नक्षत्र है, और अंक दो जो मंगल का है वो भी अशुभ माना गया है।
अंक एक जो सूर्य का वो शुभ माना गया। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम पांचवें अंक की बात करते हैं। इसके लिए वापिस मैं आपको यंत्र पर लिए चलता हूं। पांच अंक यदि आप यंत्रों को देखें तो ये पांच जो सभी यंत्रों में सभी प्रकार के जो पंचदश यंत्र बने थे उसमें ये बीच में आता है, यानी यंत्र के केंद्र में पांच है, ये नहीं हिलता है, तटस्थ रहता है। तो पांच अंक स्कंद माता, जो स्कंद की माता है। देखिए इसमें गौर कीजिए, पांचवा अंक स्कंद माता का है और देखिए प्रिय विद्यार्थियों, यदि आपने भारतीय वैदिक साहित्य का अध्ययन किया है तो आपको पता होगा कि वसंत पंचमी के दिन ही कामदेव का प्राकट्य हुआ था, वो पांच अंक कामदेव, जिसके बिना मैथुनी सृष्टि नहीं हो सकती, जो संतान उत्पत्ति का हेतु है। शुक्र को ज्योतिष में कामदेव भी कहा गया है। शुक्र के बारे में मैं आपको बतला दूं कि दैत्यों के ये गुरु शुक्र युद्ध भूमि में एक बार दैत्यों का साथ देने की वजह से भगवान शिव द्वारा निगल लिए गए थे, फिर वो उनके वीर्य बन के बाहर निकल गए। समझिए इस तथ्य को, इस प्रकृति के शाश्वत नियम को। और एक युद्ध में इन्हें महाकाली निकल गई, महाकाली ने अपनी योनि में गुप्त कर लिया था, अपनी योनि में महाकाली ने गुप्त कर लिया था। तो कहीं ना कहीं शुक्र जो शुक्राणु है शरीर में वीर्य है, बिना इसके कोई भी स्त्री माता नहीं बन सकती। तो पंचम स्कंद माता, जो स्कंद की माता है, तो भगवान शिव और भगवती पार्वती या अनंत कोटि ब्रह्मांडों के माता पिता हैं, आकाश भी नहीं से उत्पन्न हुआ है। तो तंत्र दर्शन में इस पांच के अंक को आकाश का अंक माना गया है, जो सब कुछ उत्पन्न करता है, जिससे सब कुछ निकला है। आकाश से वायु निकली, वायु से अग्नि निकली, अग्नि से जल निकला, जल से पृथ्वी निकली, वो आकाश। कुंडली के अंदर यदि आप देखें, मैं बड़ी व्याख्या कर रहा हूं उस चीज की, यदि आप कुंडली को देखें तो कुंडली में 12 घर हैं। वस्तुतः इस्तेमाल तो 9 घर होते हैं, वो 12 घर 9 घर में समाहित हो जाते हैं, इसलिए नवांश की विशेषता हो जाती है। कैसे? जो हम 11वें भाव से जानते हैं या 11वें घर से जानते हैं, वो कुंडली के दूसरे घर से जान सकते हैं। आए हो, आमद नहीं हो, दूसरे घर बता देगा, तो 11वें की जरूरत ही नहीं है। संक्षेप में 12वें घर का भी द्वितीय भाव बता देगा, प्रताड़ित होगा। तो 10वां घर वो 7वां घर बता देगा, 10वें से 10वां जो व्यापार का भी घर है। तो 9 घर तक, 1 से 9 घर तक ही जो है संक्षेप में हम मुख्य घर कह सकते हैं। जरा सोचना, जो 12वां घर है उसके परिणाम तो 5वां घर भी बतला देगा। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, हानि दृष्टिकोण से दूसरा घर बतला देगा। तो कुल मिला के जो ये 9 घर है और 9 अंक है, ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो अब 5वां घर कुंडली में ज्ञान का होता है, गर्भ का होता है और संतान उत्पत्ति का होता है, ये 5वां है। तो ये 5 अंक शुक्र का है। देखिए
मैंने इसको इस तरह विवेचित किया है, इसकी विवेचना मैंने इस तरह की है। विद्यार्थियों अब हम अगले अंक पे चलते हैं, छठे अंक पे। इसकी अधिष्ठात्री देवी कात्यायनी है, छह अंक। शत्रु छठा भाव, सेवक का भाव, शनि सेवक है, तो छह अंक शनि को दिया गया है, इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। छठे घर में शनि बलि हो जाते हैं, अरिष्टों का नाश कर देते हैं, छह अंक शनि का। प्रिय विद्यार्थियों अब हम सातवें अंक पे आते हैं। आप देखिए कि जब चंद्रमा सूर्य से सातवें होते हैं यानी पूर्णिमा का पूर्णमासी, तो पूर्ण रूप से चमकते हैं। और इसकी जब हम अंकों के हिसाब में देखते हैं तो इसकी अधिष्ठात्री देवी कालरात्रि कही गई है, रात्रि। तो चंद्रमा को सात अंक निर्धारित कर दिया गया। इसका इस तरह मैं विवेचना करता हूं। आठवां अंक, आठवां अंक की जो अधिष्ठात्री देवी महागौरी है, महागौरी है आठवें अंक की अधिष्ठात्री देवी। अब इसके लिए इस रहस्य को वही समझ सकते हैं जिन्होंने भारतीय वैदिक साहित्य का गहन अध्ययन किया हो। आठवां अंक राहु को दिया गया है, और ये राहु ने क्या किया था, समुद्र मंथन के समय देवताओं को दिव्य रूप में आकर उसने अमृत का पान कर लिया था, कंस तक उतरा था, उससे नीचे नहीं उतार पाया था, कथा आपको पता होगी। तो एक तरह से ट्रांसफॉर्मेशन को शो करता है राहु, ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये कैसे, शिवपुराण में वर्णन है कि शिव की पत्नी काले रंग की थी, एकदम काले रंग की। तो भगवान शिव के गौर वर्ण को देख के उन्हें आत्मग्लानि का बोध होता था। तो एक दिन भगवान शिव से उन्होंने आज्ञा ली कि वो ब्रह्मा जी का तपस्या करके गौर वर्ण प्राप्त करना चाहती हैं, और वो तपस्या करने निकल गई। तपस्या के फल स्वरूप ब्रह्मा जी ने उनके काली देह को गौर महागौरी बना दिया। तो यहां एक ट्रांसफॉर्म है, उराही काया का कल्प है, अतएव जैसे कि भगवान पराशर ने नौ ग्रहों को दिव्य ग्रह माना है, तो यहां पे राहु का अंक, राहु का अंक आ जाता है यहां पे। अब नवा अंक, नवा अंक केतु का अंक है, और इसकी अधिष्ठात्री देवी सिद्धिदात्री है, सभी सिद्धियों को देने वाली। केतु, इसका अधिक विवेचना की जरूरत नहीं है, आप सभी समझ सकते हैं। तो केतु का उपयोग वैदिक न्यूमरोलॉजी में नहीं होता, नौ अंक नहीं आता, पर फिर भी मैंने नौ अंक से भी भविष्यवाणियां करी हैं जो सत्य प्रमाणित हुई है, लेकिन ये आता नहीं है। और मेरे विचार से वैदिक न्यूमरोलॉजी को जो जो इस्तेमाल करते हैं उन्हें नौ के अंक का प्रयोग करना भी नहीं चाहिए।
प्रिय विद्यार्थियों, एक बार मैं फिर आपको पंचदशी यंत्र की तरफ ले जाना चाहूंगा। इसमें यदि आप देखें तो मैंने पंचदशी यंत्र में अंकों की जगह वो देवियां रख दी हैं, तो जिसको मैंने जिसका नामकरण श्री नवदुर्गा यंत्र मैंने कर दिया है, ये मेरे द्वारा ही निर्मित है। ये बड़ा चमत्कारी है, ये कहीं वर्णन नहीं है इस चीज का, ऐसा इस तरह का, इस प्रारूप का, ये मैंने ही दिया है। अतएव बिना मेरी आज्ञा के कोई भी इसे प्रकाशित ना करे। और इसी तरह देवियों की जगह मैंने ग्रहों को रख दिया है, तो ये मैंने इसको जो नामकरण किया श्री नवग्रह यंत्र किया है, ये भी कहीं इस तरह का यंत्र नहीं, तो मेरी आज्ञा के बिना इसे प्रकाशित ना करें। यह भी अपने में चमत्कारिक है। जब ग्रहों के कुपरिणाम का शमन किया जाता है, तो ये ग्रह का जो श्री नवग्रह यंत्र प्रयोग में लाया जाता है, इसके अनेक प्रयोग है जो मैं फिर कितनी कक्षाओं में अलग से वर्णन करूंगा। और जब बिना ग्रहों के किसी परिस्थिति विशेष में उपाय किए जाते हैं, तो ये श्री नवदुर्गा यंत्र जो बना हुआ है, ये विभिन्न रूपों में इसका उपयोग किया जाता है, जिसका वर्णन परमात्मा ने चाहा तो अन्य कक्षाओं में होगा, इस कक्षा में नहीं होगा। हे विद्यार्थियों, मैं अपेक्षा करता हूं आज की इस कक्षा में आपका ज्ञानवर्धन हुआ होगा। शेष या जो आगे बतलाना है वो अगली कक्षा में, तब तक के लिए खुश रहो, नमस्कार।